कपल का फिनाले है और हमें बहुत खुशी हो रही है कि वापस हम सारे कंटेस्टेंट को मिल रहे हैं एंड इट्स अ ग्रैंड फिनाले द फाइनल्स एंड एनर्जी इज़ वेरी हाई बहुत मज़ा आ रहा है एंड मे द बेस्ट जोड़ी विन एंड वी आर हियर टू सेलिब्रेट. मुझे ऐसा लगता है कि एक तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे कपल जो उस वक्त लगता था कि शायद एक दूसरे को इतना नहीं जानते हैं इस जर्नी के बाद बहुत सारा एक दूसरे के बारे में और जान गए हैं. एक्ट्स देख के बहुत अच्छा लगा, ख़ास तौर पे मुझे पर्सी और डेलनास का एक्ट बहुत अच्छा लगा. ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई शावर और मार्सेला फाइनल तक आ गए हैं. तो ले देखे यही है कि अच्छा लग रहा है उन सबको एकदम गोवा के बाद. आई थिंक अनबार्स तो फ्रॉम डे वन वॉज एक्सट्रीमली इनकरेजिंग, बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही इनकरेजिंग है और मेरे हिसाब से जीवन को अच्छे ढंग से समझते हैं. मतलब जो उनके ख्याल आते हैं मुझे बहुत पसंद हैं पर्सनली, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बहुत ही मैच्योर्ड वे में एक कपिल की जो भी कठिनाइयाँ हैं या एक कपिल की जो फीलिंग्स हैं या क्या फीलिंग्स होने चाहिए एक दूसरे के प्रति, उनको वो मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार और बारीकी से समझते हैं. मलाइका के साथ मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ है शो में, मगर इतनी देर से वो दोनों साथ में हैं, इतने देर से वो दोनों उन्होंने अपने भी स्टोरी के बारे में बताया कि कई वर्ष वो बिफोर गेटिंग मैरिड एक दूसरे के साथ थे, तो वहाँ से ही पता लगता है कि कितनी वो ठोस है वो बुनियाद, जिस बुनियाद ने पहले एक दूसरे का कोर्टशिप देखा हो और उसके बाद कई साल एक दूसरे का साथ देखा हो और शानदार बच्चे उसमें से हुए हों साथ में से, उससे पता लगता है कि वो एक ट्रूली एक बाकापल है मेरे लिए. और अ लॉट ऑफ पीपल वी न्यू फ्रॉम बिफोर, अ लॉट ऑफ पीपल वी मेट ऑन द शो एंड फॉर अस इट वाज अमेजिंग, वी केम बैक स्माइलिंग, वो इम्पोर्टेंट इन लाइफ. कुछ दोस्त थे पहले से, कुछ बहुत सारे अच्छे दोस्त बने शो पर, एक अलग एक्सपीरियंस था, अलग तरह का शो है और आज कुछ दिन बाद द फिनाले पे सबसे वापस मिलने का मौका मिल रहा है. तो एक्साइटमेंट है, मस्तियाँ कर रहे हैं सब साथ में बैठ के, एक दूसरे को डांस करते हुए देख रहे हैं, एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं, सो इट्स एक्साइटिंग. Thank you.